ब्रजभूषण शरण सिंह। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर आज सोनीपत हरियाणा में किसानों की आज बैठक हो रही है। महापंचायत में पहलवानों ने सरकार के साथ हुई बैठक का ब्यौरा दिया। महापंचायत में तय हुआ कि 15 जून तक सरकार ने मांगों पर एक्शन नहीं लिया तो पहलवान फिर से धरना देंगे। महापंचायत में शामिल होने के लिए साक्षी मलिक भी पहुंची, बजरंग पुनिया भी पहुंचे और कई किसान संगठनों के नेता भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए। सोनीपत में लंबे समय के बाद इस तरह आप लोग दोबारा इकट्ठा हुए, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही है जो सरकार ने हमसे 15 दिन का समय मांगा था, 15 जून तक का समय मांगा था, करेंगे और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा आंदोलन जारी है। कल हमने देखा दिल्ली पुलिस एक रेसलर को WFI प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वहां पे लेके गई थी और फिर खबरें आई हैं कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था उस जगह पे जाने पे। जी देखो, मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही गलत व्यवहार है ये कि जो अक्यूज्ड है वो अपनी कोठी पे है और 7 महिलाओं में से एक महिला को वहां लेके जाते हैं बजाय कि वो वहां मौजूद था। तो क्यों हमारे पे ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है? उस लड़की के मानसिक रूप क्या क्या बीती होगी आप सोच के देखो एक बार। वो इतना ताकतवर आदमी, इतना बाहुबल बली और उसी के आगे उस लड़की को लेके जा रहे हैं तो कैसी स्थिति रही होगी? तो ये तो सीधा सीधा है कि लड़कियों को वैसे ही तोड़ लो, ये वाले एक्शंस करके तो मत करो गलत। विनेश लगातार ये बात कह रही है ट्विटर पे कि दबाव डाला जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह है कि क्या कॉल्स आ रहे हैं अभी भी लगातार? देखो, हमने पहले दिन से बोला था गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो जांच प्रभावित होगी जो कि हो रही है और पोस्को में आपने देखा होगा कि बयान बदले जा चुके हैं जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि बाहर रहते रहते वो दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है, पैसों से तोड़ रहा है, मुझे नहीं पता किस चीज से तोड़ रहा है, वरना 161-164 के बयान लड़की के प्रॉपर तरीके से हो चुके थे, उसके बाद इतने दिन बाद बयान बदलने का, मुझे तो ये एक ही रीजन समझ में आता है कि वो बाहर रहेगा तो जांच प्रभावित होगा। 15 के बाद एजिटेशन किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? कंटिन्यू रहेगा हमारा आंदोलन अगर जो भी है, 15 तारीख के बाद हम अगर गिरफ्तारी नहीं, हाँ तो जारी रहेगा। साक्षी मलिक इस वक्त सोनीपत में महापंचायत हुई है। सोनीपत में महापंचायत के बाद साक्षी मलिक ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दो अहम बातें कही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे जो कंप्लेनेंट्स हैं उन पे लगातार प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो उदाहरण दे रही हैं जो पॉक्सो का केस था, माइनर कंप्लेनेंट का केस था, उसमें किस तरह से उन्होंने यही बोला है कि 15 तारीख तक सरकार ने जो हमारे को प्रपोजल दिया उस पर कठोर से कठोर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सारी खाप पंचायत जितने भी संगठन है हमारे साथ है और ये बहुत छोटी पंचायत हमने बुलाई थी कि भाई जो लोग एक लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कि जो खाप पंचायत के लोगों तक तो बहुत छोटी हमने पंचायत अगर 15 तक हमें कोई अच्छी जो 4 सीट है या भाई कोई भी जो सरकार ने प्रपोज है उसमें कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा।